तो आज हम लोग करेंगे चिकन ब्रेस्ट को रोस्ट, जो कि हमारे डाइट प्लान के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले चिकन को वॉश कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। आप हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर साली नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें मिलाएंगे हम लोग 3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, छोटा चम्मच। सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे चिकन को हम सारे पेस्ट और कर्ड से कवर कर लेंगे अच्छे से। कवर जब हो जाए एक बार, एंड देन उसके बाद हम चिकन कुछ इस टाइप का दिखेगा। नाउ अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 4 से 5 घंटा मैरिनेट होने के बाद हम अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कोकोनट ऑयल लेंगे कढ़ाई में। 2 से 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल रहेगा। अब जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट को और कढ़ाई में डाल के इस टाइप से उसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। ध्यान से करना है क्योंकि तेल उड़ता है, तो थोड़ा आराम से दूर होके करना है। सारे चिकन को डाल के उसको 2 मिनट के बाद पलट लेना है क्योंकि जलने का चांसेस होता है, तो फ्लेम थोड़ा धीरे रखना है और थोड़ी देर बाद इसको पलटना है। बस तो रोस्टिंग वाला काम तो कंप्लीट हो गया और हमारा चिकन भी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा वे था ये बनाने का। आपको कोई तामझाम, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अब गार्निशिंग के लिए हम अनियन ऊपर से डाल रहे हैं एंड 1 ग्रीन चिली डाल रहे हैं। साथ में आप चाहते हो तो ग्रीन चिली सॉस ले सकते हो और टोमेटो केचप सॉस भी इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। पता भी नहीं चलता है कि आपने जस्ट चिकन को मैरिनेट किया एंड देन उसको रोस्ट किया है। ऐसा लगता है कि आप चिली चिकन खा रहे हो या फिर ग्रिल्ड चिकन। एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये डाइट प्लान में आप इंक्लूड करोगे तो आपका वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ब्रेस्ट लो फैट प्रोटीन का गुड सोर्स होता है, सो इसको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें।